हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी साथियों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोरो फेरी के बारे में, जो कि गुजरात में चलती है। हजीरा पोर्ट से लेके गोगा पोर्ट तक जाती है। आना जाना इसका कितने बार होता है, कितने रुपए का टिकट होता है, और ये भारत की सबसे बड़ी पार्किंग फेरी भी है, जिसके अंदर ट्रक, बस, कार, बाइक सभी को एक जगह से दूसरी जगह मात्र 11 घंटे के सफर को 4 घंटे में कवर कर देती है। तो सभी के टिकट प्राइस के बारे में बात करेंगे और इस पे आप भी क्या एंजॉय कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इस फेरी को ऑनलाइन आपको बुक करना होगा। वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे तो इसे आप बुक कर लेना। आप इसे पहले ही बुक कर सकते हैं। यह फेरी दिन में 2 बार आना जाना करती है। टाइमिंग आपको सामने दिख रही होगी। इसे बुक करने के लिए आप 1 घंटा पहले तक इसे बुक कर सकते हैं, उसके बाद बुक नहीं होती है। और आपको आधा घंटा पहले ही आ जाना होगा, क्योंकि जिस समय फेरी के जाने का समय होता है तो गेट बंद कर दिए जाते हैं, फिर आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कोशिश करें आप या तो 1 घंटा पहले आ जाए, वरना 1/2 घंटा पहले तो आप बिल्कुल ही आ जाइए, और इसमें आपका पैसा वापस भी नहीं होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं इसके टिकट प्राइस की। इसके अंदर आपको 115 बिजनेस सीट मिलती है और एक्सक्लूसिव क्लास 180 सीट इसके अंदर आपको मिलती है। 80 के लगभग इसके अंदर स्लीपर क्लास भी दी गई है, और 22 VIP लो और 11 केबिन की फैसिलिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एक्सक्लूसिव क्लास की बात करें तो आपका टिकट 750 रुपए से शुरू हो जाता है, और बिजनेस क्लास का 950 रुपए, लोज का 1700 रुपए, और केबिन क्लास का 8500 रुपए इसका टिकट प्राइस होता है। और पार्किंग की बात करें, जो भी आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो कार का आपको 1400 रुपए, बाइक का 300 से 350 के बीच होता है, और ट्रक की बात करें तो 3000 रुपए से ट्रक चार्ज शुरू हो जाता है, जो कि 15000 तक जाता है, और बाकी डिपेंड करता आपके वजन पे, कितना वजन आप लेके जा रहे हैं। टेम्पू का इसमें 4500 रुपए पार्किंग देना होगा, बस का आपको 5500 रुपए पार्किंग चार्ज देना होगा। जब आप पोर्ट पे आते हैं फेरी के लिए, तो आपके हाथ पे एक बैंड बांध दिया जाता है। जितने रुपए का भी आपने टिकट ले रखा है, उसी हिसाब से आपका हाथ पे बैंड बांध दिया जाता है। अगर आपका ये बैंड खो जाता है तो आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। 4 घंटे का इस पे साथियों आपको सफर मिलता है, जो सीधा हजीरा पोर्ट से आपको घोगा लेके जाती है, घोगा से सीधा हजीरा पोर्ट लेके आती है। सभी टाइमिंग बराबर होती है। इसके अंदर बैठने के लिए सबसे ज्यादा चेयर्स दी गई है, जिन पे आप आराम से बैठ के सफर कर सकते हैं। और सबसे अपर डेक पे आ जाइए। इसकी अपर डेक पे आके टॉप फ्लोर पे आपको चारों ओर समुद्र का नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दूर दूर तक पानी ही पानी आपको नजर आता है। खाने पीने के लिए आपको इसके अंदर कैंटीन मिल जाएगी, आइसक्रीम पार्लर मिल जाएगा, गेम जोन मिल जाएगा, जहाँ पे आप कुछ देर के लिए गेम भी खेल सकते हैं। और बच्चों की बात करें तो बच्चों का यहाँ पे 2 साल से 12 साल तक का हाफ टिकट लग, और आप इसका सफर पहली बार कर रहे हैं तो आपको तो बहुत ही मजा आएगा। खूबसूरत नजारों के साथ साथ आपका सफर कम में बीत जाएगा, आपको मालूम ही नहीं होगा। तो ये सब कुछ जानकारी आपको रोरो फेरी के बारे में थी। अगर आपको आज से पहले इसके बारे में नहीं पता था तो हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, या कोई जानकारी रह गई है तो उसे आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो वे भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। 2DK36 मेरी ID है, वहाँ भी मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।